संगीता सिंगर एंड यू आर फ्लोरसिन डेविड. वी वेलकम यू टू आवर YouTube चैनल मेंस डुओ. तो यहां बस कुछ नहीं, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि मतलब जो अपने मेडिकल कॉलेज में जो स्ट्रीम रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको लगता है कंफ्यूजन होता रहता है अक्सर कि यार क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मतलब क्या कॉलेज से मिलेगा क्या हमको खुद लेके जाना है. तो बस कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो चलो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वाइट एप्रन वाइट कोट, जिसके बारे में जो हमारा सबका ड्रीम ड्रेस होती है कि हाँ मेडिकल कॉलेज MBBS वाइट कोट की जो इंपॉर्टेंस होता है सबको पता है. अब वो पहनने का टाइम है तो उसको लेते टाइम पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, लाइक यू वांट चूज एनी एप्रन दैट्स आर. सो फॉर डॉक्टर्स हाफ स्लीव एप्रन नहीं होता है, यूज फुल स्लीव एप्रन दैट्स डॉक्टर्स वाइट कोट. सो आपको हाफ स्लीव नहीं लेना है एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नी लेंथ एप्रन यूज करते हैं. डॉक्टर्स के लिए मतलब नी लेंथ होना चाहिए और फुल स्लीव होना चाहिए, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर में बेसिक. एंड 3 to 6 बटन्स बेसिक आपके एप्रन में इतने होने चाहिए. अब मेन चीज़ जो है एप्रन हो गया अपना. अब दूसरी डॉक्टर्स की जो एक बिलोंगिंग है मेन स्टेथो, तो आपको स्टेथो इनिशियल डेज में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आपका क्लिनिकल फिजियोलॉजी होता है एक सब्जेक्ट जब वो स्टार्ट होगा तब आपको स्टेथो की रिक्वायरमेंट होगी. बट वो कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता, आपको खुद से ही लेके जाना होता है. बेसिकली एग्जामिनेशन के टाइम पे तो खुद ही का लेके जाना है, तो आप पहले से ही अपना स्टेथो खरीद के रखो तो वो ज़्यादा बेटर है. और इसलिए फोटोशूट तो तुम लोग करोगे ही सही, काम आएगा तुम्हारे. इंपॉर्टेंट थिंग हम बात करते हैं जो सबने सब्जेक्ट सुना होता है, एनाटॉमी डाइसेक्शन करेंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइक ग्लव्स डाइसेक्शन के, दिस आर मस्ट टू बाय थिंग्स. और आपका डाइसेक्शन जब आप जाते हैं तब से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो ग्लव्स का पैकेट लेकर आ जाओ एंड विल शो यू द ग्लव्स. मतलब 200 समथिंग का कुछ आ जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन भी देखने का अप्रॉक्सीमेटली 200 का बॉक्स आ जाता है एंड इट्स गुड. आपको वर्थ इट, आपको चाहिए ही लगेगा. हाँ, वो लगेगा हर बार आप डाइसेक्शन में आप जाएंगे तो लगेगा. वीकली आपकी मतलब 3 to 4 प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे आपको हर क्लास में, कभी कभी तो 2 पेयर यूज हो जाते हैं तो आपको चाहिए होते हैं, तो इट्स गुड टू बाय अ पैक तो ताकि आपका वो खुद का हो तो बेसिकली वो सही है, वरना आप दूसरे से मांगते रहे थे बस मेरे पास एक है तू एक दे सकती है क्या, ये जो मैंने बहुत किया है ये चलता है फिर तो. अच्छा, और उसके अंदर साइजेस देख लेना जरूर, क्योंकि साइजेस अलग अलग. हाँ, थोड़ा जो मेल्स होते हैं उनका मतलब साइज बड़ा आता है, फीमेल्स का थोड़ा कम आता है, वो आप मतलब देख लेना अपने अकॉर्डिंग साइज देख लेना. और उससे ना दिक्कत ये आती है कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, स्कैल्पल पकड़ा है ना आपका, ग्लव्स ही लूज हो रहा है, यू कांट हैंडल इट प्रॉपरली, तो साइज जरूर ध्यान रखना. हाँ, तो अभी ग्लव्स हो गया, उसके बाद फिर अपना डाइसेक्शन किट. तो उसमें मतलब ये है कि आपके 3-4 तरह के फोर्सेप्स होते हैं और एक स्कैल्पल होता है, तो स्कैल्पल आप लेंगे या तो आप पूरी डाइसेक्शन किट खरीदो तो अपना 300 to 400 के अराउंड तक आ जाएगी. और अगर आपको इंडिविजुअली करें, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो यूज़ नहीं आती अभी फर्स्ट ईयर में, तो आप मतलब उसमें जो 3-4 फोर्सेप्स हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं बता दूँगी. टूथ फोर्सेप है एक तो, और एक ब्लंट है, एक पॉइंटेड है, ठीक है, और एक है स्कैल्पल. तो स्कैल्पल में 3-4 ब्लेड आप उनसे एक्स्ट्रा मांग लेना, वो दे देते हैं. ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसलिए अलग अलग टाइप के आते हैं. देन मूविंग ऑन एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी में आ गए हम लोग, तो HNE पेंसिल्स यूज होती है. तो HNE, व्हाट इज HNE पेंसिल, आप आओगे ना तो आपको बहुत टर्म सुनने को मिलेगी. स्टेनिंग वगैरह करते हैं, सो वो किसी स्टेन को रिप्रेजेंट करने के लिए पेंसिल्स बेसिकली हिस्टोलॉजी में यूज होती है, जो एनाटॉमी का एक सब्जेक्ट ही है. तो ये कलर पेंसिल्स नहीं है नॉर्मल, हमारी अलग पेंसिल्स आती है. सो कलर पेंसिल से प्लीज कंफ्यूज मत करना कि आप कलर पेंसिल नहीं, टीचर को क्या पता चला, वो अलग डिफरेंशिएट हो जाती है, डिफरेंशिएट होती है भले कितना भी कलर मैच कर दो. एंड कलर पेंसिल्स, हाँ कलर पेंसिल का बॉक्स बड़ा वाला ही ले लेना, मतलब जो आता है अपना डोम्स का या कोई भी ब्रांड का, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं किसी ब्रांड का, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट वो पूरा एक बड़ा पैकेट ले लेना, तो क्या पूरे साल आपको मतलब ये सेकंड थर्ड ईयर तक यूज़ आता रहता है. आपको हर जगह डायग्राम बनाने होते हैं, कलर पेंसिल से ही बनाने होते हैं, कलर कोडिंग होती है, सो दैट्स मस्ट टू हैव थिंग. एंड एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम. डायग्राम, हाँ बेसिक आते हैं. नेक्स्ट पे अपना क्या है, आप मेरे हिसाब से तो आप प्लेन वाली जो नोटबुक्स आती हैं, जो मतलब पूरा दोनों उनकी साइड प्लेन होते हैं, ठीक है, वो ले लीजिए. और एक सिंगल लाइन वाली मतलब नोटबुक ले लीजिए. मतलब मैंने तो एक ही में सारे सब्जेक्ट्स कर लिए, और आपको अलग अलग करना है एनाटॉमी का अलग, फिजियो का अलग और बायोकेम का अलग, तो ऐसा कर सकते हैं. बट आप मतलब बेसिकली आपको दो टाइप की नोटबुक चाहिए, प्लेन वाली और लाइन वाली, ऐसा है. देखो मोस्ट एनाटॉमी में आई वुड प्रेफर कि आप प्लेन नोटबुक लो, तो डायग्राम पे मेरे डायग्राम का ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको देखो एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, तो आपको पूरे डायग्राम प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ है एक इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है बट इंपॉर्टेंट है, लेंस. ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी में यूज़ आएगा, जब आप वो देखा होंगे, आपने वीडियोज़ देखे होंगे कुछ ब्लड प्रिंटिंग के लिए, तो मतलब उसमें क्या रहता है कि जो लेंसेट है आपको मतलब पूरा पैकेट ही खरीद लो, तो आपको पूरे साल यूज़ आएगा, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम्स आप ट्रिक करोगे अपने आपको. MBBS स्कूल मांगता है ऑफकोर्स, तो इसलिए आप कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर आप आते हैं एक बोन सेट. या हमारा बोनी बाबा, एक्चुअली इसका नाम हमने क्या रखा है, कोपलू. हमारा कोपलू है, तो कोपलू क्या है, मतलब बेसिकली आप ऐसा है कि आप खुद का इंडिविजुअल ऐसा मत खरीदो,
वो क्या होता है, हॉस्टल में आप आओगे या मतलब MBBS में आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा, बेसिकली ये आपकी धरोहर होती है जो सीनियर्स आपको ट्रांसफर करते हैं, आप अपने जूनियर्स को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही काम आता है। हाँ, मतलब इतना है कि मतलब वही 4,500-5,000 का आएगा इंडिविजुअली लोगे तो। और एक बोन सेट के बाद है जो चीज़ आप सीनियर्स से ले सकते हो, मतलब कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं जिनको आपको पर्सनली खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैंने मतलब हिस्टोलॉजी की मांगी थी बुक और इसने शायद कनिंगम मांगी थी। हाँ, तो मतलब क्या कौन मतलब चल गया था कॉन्ट्री में, हाँ चलो कनिंगम तो मांग ले, मैं इसको मांग लेती हूँ, तो ऐसा था। तो क्या वो कनिंगम जो बुक है ना वो बहुत महंगी आती है, और मतलब उसका उतना ही, मतलब मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट ये है कि हाँ मतलब आपको कम लिमिट आती है, मतलब जितना आप अपना एनाटॉमी के जो मेन बुक्स हैं BDC हुई, विश्राम सिंह हुए, आप जितना उनको पढ़ते हो उतना कनिंगम का तो वो डाइसेक्शन तक ही लिमिटेड रहती है। हाँ मतलब वही, तो आप ना मतलब ऐसा कर सकते हो कि आप सीनियर से कनिंगम मांग लो, और अपना हिस्ट्री की जो बुक है प्रैक्टिकल वाली वो आप मांग सकते हो, और अपना जो क्लिनिकल की जो बुक है वो मांग सकते हो, और एम्ब्रियोलॉजी की बुक मांग सकते हो, है ना। आप मतलब ये जो जो साइड थोड़ी बुक्स हैं आप उनको मांग सकते हो, पर जो मेन बेसिक बुक है अब उन पे, तो मतलब तीन सब्जेक्ट्स हैं बताया। हाँ, तीन सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो एनाटॉमी के अंदर मेनली दो बुक्स चलती हैं, BD चौरसिया एंड विश्राम सिंह। तो BD चौरसिया मेरे पास में है और विश्राम सिंह है ना। तो मैंने जो पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है विश्राम सिंह को लेकर वो मैं आपको बता दूँगी। फिर मैंने ये कहा कि जो विश्राम सिंह है तो उसमें डायग्राम अच्छे हैं, मतलब है ना डायग्राम एक है, और एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। तो आपका मेन जो फोकस रहेगा वो डायग्राम पे होगा, लाइन डायग्राम है मतलब जो विश्राम सिंह है उसमें, है ना। तो बच्चे को इजीली हो जाता है क्योंकि वो 12th तक अपने लाइन डायग्राम ही देखे होते हैं, एकदम से वो 3D में समझ में नहीं आता। तो मतलब मैंने इसलिए विश्राम सिंह ली थी। और उसमें जो थ्योरी है, हाँ मेन पार्ट थ्योरी का, थ्योरी जो है ना जो आप नोट्स बनाओगे किसी बुक को प्रेफर करके या कुछ है, तो मतलब वो क्या होगा नोट्स जो है ना वो उसमें बिल्कुल प्रॉपर स्टूडेंट को जो लिखना है उतने ही नोट्स है उसमें, फालतू कुछ मतलब मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मैं किसी बुक को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके मुझे थोड़ी ईजी लगती है कंपेरेटिवली विश्राम सिंह। और अभी BDC का बता दें, देखो BDC में जैसे अंकिता ने बताया कि उसमें 3D डायग्राम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, लाइक वो लाइन डायग्राम्स नहीं होते, लाइक अगर स्टमक बताया तो सिर्फ स्टमक पे फोकस नहीं होता, वो पूरा ओवरऑल एग्जैक्ट वो दिया होता है, तो यू कैन रिलेट द थिंग्स, बट बहुत चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आई वुड स्टिल से कि विश्राम सिंह आप प्रेफर करो स्टार्टिंग में। एंड BDC के अंदर थ्योरी वाइज मैंने थ्योरी पढ़ी है, तो आई थिंक थ्योरी उसके अंदर बहुत ऐसा देख के लगता है कि आप पैराग्राफ राइटिंग है, हमको पॉइंट्स में लिखना होता है, बट वो सारे जो पैराग्राफ हैं वो ऑलरेडी मतलब उन पॉइंट्स को ही पैराग्राफ में कन्वर्ट किया होता है, तो दैट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अलग सा दे रखा है। मतलब मेरा क्लिनिकल बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर आपको मतलब एक इनडेप्थ स्टडी करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में उस टॉपिक के अंदर घुसना है तो आप BDC को चूज़ कर सकते हो, और आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट पढ़ना यार कल पेपर ऐसा टाइप का कुछ है तो विश्राम सिंह को रेफर कर सकते हैं ना ऐसा। एंड हम लोगों ने क्लिनिकल्स देखे तो आई थिंक क्लिनिकल्स के जो डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स हैं वो BD चौरसिया के अंदर ज्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू विश्राम सिंह, जिस विश्राम सिंह के डायग्राम्स बेटर हैं एंड क्लिनिकल के डायग्राम दिए हुए हैं, आई मीन एक्चुअल पेशेंट्स के दिए हुए हैं, सो यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। उनके हिसाब से विश्राम सिंह इज द बेस्ट है। और है अपना एक क्लिनिकल फिजियो की कुछ चीज़ें रह गई वो मैं वाइंड अप कर देती हूँ। तो जैसे एक पटेलर हैमर आता है मतलब 80-100 रुपीज़ तक का आ जाएगा आपका, तो वो आपको क्लिनिकल के पार्ट में जरूरत पड़ेगा। एक हैमर होगा और एक डॉक्टर्स या मेडिकल टॉर्च आती है जो मतलब लाइट को वन डायरेक्शन फोकस करती है और ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है, वो पता चल जाएगा, वो किसी भी सर्जिकल शॉप पर आप देख सकते हैं। और जो अपना एक ये हो गया इंची टेप आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको चेस्ट का साइज़ मेजर करना होता है, तो आप उसमें इंची टेप का यूज़ आ सकता है, तो वो 10-40 रुपीज़ तक का आ जाता है। ऐसे देखो और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपके पास में होनी चाहिए, लाइक कैश। ये चीज़ें लोग बहुत गलती करते हैं क्योंकि अभी सबको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन है तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, लाइक हमने तो कुछ चीज़ें आपको कैश जरूरत पड़ती है, लाइक आपके कॉलेज में आपको कुछ मनी कॉलेज में कहीं कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट आपको कैश ही देना होता है, तो वैसे भी आपके पास खुद का कैश मतलब होना चाहिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हो या घर से दूर हो, तो इसलिए। हाँ, तो अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं कि अपना जो ड्रेस है, जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए। तो मतलब जो MBK बेसिकली जो कॉलेजेस हैं मतलब उनमें इनिशियल कुछ मंथ्स में ड्रेस चलती है, तो हमारी जो ड्रेस थी वो वाइट कुर्ता और ब्लैक चुन्नी और ब्लैक सलवार और शूज़ पहनना कंपलसरी होता है, क्योंकि बस नहीं सैंडल्स स्लीपर्स की अलाउड नहीं होती, यू हैव टू वियर शूज़। तो आपके पास में बेटर है अगर शूज़ हैं तो अच्छी बात है, पेयर ऑफ शूज़ हूँ शूज रख लो तो ज़्यादा बेटर। हाँ अच्छा रहता है बस बारिश वगैरह में। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अपना आईपैड। तो ये है कि लोगों को कन्फ्यूजन है कि आईपैड लें या लैपटॉप लें या क्या करें, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी आप फर्स्ट ईयर में आप अभी तो ना लें कुछ, क्योंकि हम दोनों के पास में भी अभी कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि नहीं आईपैड या लैपटॉप इज अ मस्ट टू बाय थिंग इन मेडिकल कॉलेज, बट ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप नहीं है तो मतलब ये कि आईपैड में, बट अगर आपको लेना है ही है तो मेरा जो है प्रेफरेंस वो आईपैड के लिए है, क्योंकि आईपैड में क्या आप नोट्स बहुत ईजिली बना सकते हो, और जैसे भारी भारी जो MBBS की बुक्स हैं आपको हर कहीं जाना है कुछ है तो आप उसमें ईजिली पढ़ सकते हो, है ना।
और नोट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो आईपैड में कि आपने ये कुछ बुक से पीडीएफ का ले लिया, ये कोई डायग्राम यहाँ से कॉपी कर लिया, तो आप हर बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप पीडीएफ में आईपैड में एक नोटबुक के फॉर्म में पढ़ सकते हो। बट हाँ, थोड़ा डिजिटल ऐप जिसको पेन और पेपर की फील चाहिए तो वो नहीं खरीद सकता, बट हाँ अगर आपको ईजी लगता है डिजिटली पढ़ना तो हाँ यू कैन श्योरली गो फॉर द आईपैड। एंड आईपैड एज कंपैरिजन टू लैपटॉप इजी टू हैंडल होता है, तो वो बेटर ऑप्शन है। लैपटॉप तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, लाइक आपको फोटोग्राफी एडिटिंग वगैरह इन सबका डिजिटल वगैरह इनमें ज्यादा शौक है तो आपका ये लैपटॉप बेटर है, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एन आईपैड इज वे बेटर देन अ लैपटॉप। मतलब आपको बेसिकली बुक्स के लिए चाहिए होता है, नोट्स के लिए चाहिए होता है, तो वो बेटर होता है आईपैड। सो या दैट्स फ्रॉम माई साइड, हमने जो भी छोटी छोटी जो डाउट्स आते हैं, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कवर करने में इस वीडियो में। और मतलब जो भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल श्योरली ट्राई टू आंसर इट। एंड थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय।